जतने सपोर्ट खाली दो इवन बीजेपी सपोर्ट खाओ जिन्हें आई पी एफ तीन सपोर्ट खाओ
जति प्रमुख महाराज मैंने जोदी प्रसारण कैसे लामा लाइट नई बस क्रमा समस्या अच्छे साफा रंग मैंने अपनी बाइक की पियोग नाई अपनी बाई में चीनी बुक नाई और वो इलेक्शन 100% लीड नाई राजेंद्र बाबू मोर बास लाभ करे तर नाम एक्चुअली अपन जो मैंने C4 कांग्रेस C4 CPM कारण पक एक ही राशि 25 बसर एक गुपनी बालूबासा तब सैसा CPM कांग्रेस ने बुटिया कांग्रेस CPM बुटिया डेट मीन अब EM साहब साका जो तीन पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हमका BJP IPFT मंदू प्रेसिडेंट तिप्रा मथा जो तीन पार्टी तब ए बसकान जे लोकसभा दिन थालका बखाग्रि 26 तारीख चीनी चौमारी हमें और चौमारियो चीनी और रायमाबिलियो 70 पुलिस स्टेशन दो जो जगह गबां मा मार्जिन बाय जों दय खलायनाय कारण बर' 3000 एस्पेक्ट फेमिली आं जेबाबे और हजार हजार दिन बर' खायगा लामा तीनटा को 33 केबि अबाय प्राय दिनि 1.5 किलोमीटर अब बर' खुजा दुटा लाइन अब हाय बर' ता बाजार बसु ठीक है ओ बर' तीनि जतन तिप्रा मथा BJP IPFT चीनी लोकसभा पूर्व लोकसभा ने जे कैंडिडेट कीर्ति सिंह देव बर्मान समर्थने तीनि और जे जनसभा उठनाय मानि अपन बागे निश्चित समय निसे अपेक्षा हम भाई ओके हमेशा अपने लोगों का इंटरेस्ट के बारे पहले बात करेगा उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स करेगा। जिंदगी में मैंने बहुत राजनेता देखे लेकिन मैंने राजनीति से ज्यादा राजनीति वाले आदमी को मैंने पहले अप्रिशिएट किया है। सब लोग राजनीति करते हैं, 75 साल से बहुत MP बने हैं, मेरी मां थी, मेरे पिताजी थे, रेवती बाबू थे, बाजूबल नियाम थे, जितेंद्र चौधरी थे, बहुत MP बने हैं, बहुत मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत MLA बने हैं, लेकिन जब तक हम अपने लोगों का इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे और पार्टी का इंटरेस्ट को आगे रखेंगे हमारे लोग हमेशा गरीब रहे। मेरा पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं, मेरा प्यार, मेरा कमिटमेंट, मेरे तोहफा मेरे जाति के साथ है। अगर किसी को पसंद लगता है तो लगने दो, किसी को ना पसंद आता है तो मैं किसी को खुशी करने के लिए, मैं देश को खुशी करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मैं अपने लोगों को अधिकार, आपका भविष्य को बनाने के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए, अपना दोहा को पावर देने के लिए मैं आया। पॉलिटिक्स एक जगह में, लेकिन मैंने नोटिस किया बिप्लब देव जी यहां में है, इन्होंने हमेशा हमारे तिप्रा साहब के लिए बात की, जो हमारा सोच था, जो सोच मानी सरकार ने लाया था वो बदलने के लिए आपको एक तिप्रा साहब नहीं एक अच्छा इंसान चाहिए और वो अच्छा इंसान हमें मुख्यमंत्री के रूप में उस समय बिप्लब देव जी मिले। देखो आदमी को, व्यक्ति को सच को मानना चाहिए। बाजूबल नियाम 7 बार MP रहे लेकिन हमारे रियांग ग्रुप को कुछ नहीं रहा। जितेंद्र चौधरी मिनिस्टर थे, 15 साल MP थे, 5 साल, लेकिन हमारे कंचनपुर में हमारे ग्रुप को कुछ नहीं रहा। आज गंडो तुषा, हमारा रईसा बारी
के बारे अगर किसी ने सोचा है तो वो विप्लव देव जी थे, यहां में हमारे एमएलए थे, एमपी थे। आज अगर हमको आगे बढ़ना है तो मैं जानता नहीं हूं कि किनसे दोस्ती करना है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज अगर हमें तीपरा साहब को किसी ने गरीब रखा है तो वो सीपीएम पार्टी है, और सीपीएम पार्टी ने हमें वंचित रखा, हमें गरीब रखा। बिप्लब देव जी रेवती, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। 1986 या 85 का होगा, मैं बहुत छोटा था, राजबाड़ी में न्यूमा में कोई रोहिसा बारी से आया त्रिपुरा कम्युनिटी से, शायद 19 साल का एक औरत अपना 3 महीने का बच्चा को लेकर आया। मेरा मां महारानी विभू देवी को बच्चा दिया, बोला कि हम अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकते हैं, पाल नहीं सकते हैं, आप हमको 500 रुपए दे दो, मेरा बच्चा को रख। कौन मां अपने बच्चे को अपने दिल से किसी और को दे, लेकिन बच्चे का भूख पूरा नहीं कर सक रहा था, खुद का भूख पूरा नहीं कर सक रहा था, इसके लिए 500 रुपए मैंने देखा है। यहां में हमारा तीपरा साहब भूखा है, बेरोजगार है, हम लोग गरीब हैं, हमने पूरा जिंदगी इनकलाब जिंदाबाद किया, पार्टी का फ्लैग उठाया, बदले में क्या मिला? आज अगर घुमाया आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और वेस्ट त्रिपुरा के एमपी कैंडिडेट बिप्लब देव जी मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं, हमारे ईस्ट त्रिपुरा से एमपी रेवती त्रिपुरा जी, यहां में आईपीएफटी से फॉर्मर एमएलए और लोकल लीडर प्रेम साधन त्रिपुरा जी और फॉर्मर एमएलए प्रशांत जी, मेरे प्रिय कोलीग सीनियर लीडर तीपरा मोथा जगदीश वर्मा जी, यहां में हमारे ईएम रविंद्र जूनियर, सीनियर तो यहां में नहीं है, रविंद्र सीनियर यहां से एमएलए रहते थे, जूनियर रविंद्र बाबू जी, नंदिता देवर्मा रियान जी, यहां में धनंजय त्रिपुरा है, ईएम राजेश है, और मेरे गुरुई बदल, बुमा बदल, वाईटीएन, इप्रा मथा, वॉरियर्स सबको चिबाई आफारो। उपाग्रह का एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत बहुत क्लियर है, मेरे लिए कोई पार्टी मेरे जाति से बड़ा नहीं, मेरे लिए कोई फ्लैग मेरे तोहफा से बड़ा नहीं, मेरे लिए कोई पोस्ट मेरे कम्युनिटी का भविष्य से बड़ा नहीं हो सकता है। मुझे राजनीति में आने के लिए सिर्फ एक लक्ष्य था, मेरा लक्ष्य है कि हानि दूसरा को अपना देश में, अपने राज्य में, अपने हाल में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना पड़ेगा, और उसके लिए बुबाग्रा हम
हमेशा अपने लोगों का इंटरेस्ट के बारे पहले बात करेगा, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स करेगा। जिंदगी में मैंने बहुत राजनेता देखे, लेकिन मैंने राजनीति से ज्यादा राजनीति वाले आदमी को मैंने पहले अप्रिशिएट किया है। सब लोग राजनीति करते हैं, 75 साल से बहुत एमपी बने हैं, मेरी मां थी, मेरे पिताजी थे, रेवती बाबू थे, बाजूबल नियाम थे, जितेंद्र चौधरी थे, बहुत एमपी बने हैं, बहुत मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत एमएलए बने हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा है ये मैं भूलता। यहां में मेरे आईटीएफटी के लोग हैं, प्रेम साधन को मैं बेहद जानता हूं। प्रेम साधन, जब मैं वहां से यहां आया ना, तो आपको या आपके एमएलए को मेरा सीट देना चाहिए। आज मेरा पार्टी थोड़ा आईटीएफटी से बड़ा है, एक दिन मैं छोटा था, कल मैं फिर से छोटा हो सकता, लेकिन प्रेम मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आई लव यू बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट पार्टी, आई केयर अबाउट टी प्रसाद दौथा। रेवती, एक दिन हम लोगों को भंग भी खाना पड़ेगा, चाकू भी खाना पड़ेगा, बैरमा बुद्धि खाएंगे, हाँ नहीं और खाना पड़ेगा, और चाय से कुछ नहीं हो रहा है, चौकी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, और जितना जल्दी हम लोग ये चीज दिल से निकाल देना, हम लोग दोनों मिलके दोहा के लिए काम कर सकते हैं। जितना जल्दी ये निकाल दे उतना अच्छा है। जगदीश बाबू, विप्लव जी, यहां में मेरा प्रतिराम त्रिपुरा है, यहां में हमारा सभापति है राजेश धनंजय, आप लोग वहां में धूप में है लेकिन ग्राउंड में है अपने लोगों के साथ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई पीपल। अपने बीच में यह मत देखो कौन बीजेपी है, कौन आईपीएफटी है, कौन मोहता है, ये देखो कि हम लोग अगले 2-3 साल में अपने लोगों को, कोई भी हो, सीपीएम का भी हो, पहले अपने लोगों को मिलकर एक संग होकर अपने लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अकेले इंडिविजुअली हमने फाइट किया, कुछ नहीं मिलेगा। एक संग होकर बंगाली, पीपरासा, चाकमा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, एक साथ मिलकर हमने काम किया तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। लेकिन अगर हमने काम नहीं किया तो त्रिपुरा सा गरीब रहेगा, हमारा बच्चा लोग गरीब रहेगा। मैं चाहता हूं कि आज मैं देखता हूं अगर कला में ड्राइवर त्रिपुरा सा है, पीछे कोई और बैठा है, मैं चाहता हूं कि एक दिन पीछे तीसरा सा मालिक बन के बैठे और ड्राइविंग कोई और करे, ये मेरा सपना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उठे, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स को भी छोड़कर आपके पास पीने का पानी हो। मुख्यमंत्री जी, जब आप थे आपने दलित दिशा में, भागीरथ में, रईसा भारी में, चाकमा घाट में बहुत काम किया, लेकिन आज भी कोई कोई जगह है जहां में 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है पानी पीने के लिए। हमें एक होकर काम करना है। लास्ट में आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, एवरी वन ऑफ यू, आप कोई भी हो, मैं आपको एक बात दिल से बोलना चाहता हूं, आई लव यू। Do you love me? Yes, yes, love.
नो कौन नो बोलता है? आई लव यू. अगर आप नहीं भी प्यार करते रेवती आई लव यू. आई बोल दी आई लव यू. देखा आई लव यू टू भी बोल दिया, आई लव यू थ्री हो गया. आई लव यू. और जिंदगी में ये तीन शब्द बोलने से किसी का जेब खाली नहीं होता. किसी को प्यार करने से आप गरीब नहीं होता, आपका जिंदगी और अच्छा होता. हंसो और उनको रुलाओ जो सीपीएम पार्टी जिसने हमको वंचित रखा. आज दुख लगता है कि मेरा दोस्त राहुल गांधी केरला में सीपीएम के अगेंस्ट फाइट कर रहा है. प्रियंका गांधी केरला में जाकर सीपीएम के अगेंस्ट प्रचार कर रहा है. सीपीएम का मुख्यमंत्री केरला में राहुल गांधी को पप्पू बुला रहा है. और यहां में कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा सीपीएम पार्टी को तीन सीट बचाने के लिए कैलाश शहर बनमालीपुर रगड़तला को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी को सीपीएम को बेच दिया, क्योंकि तीन लोगों को अपना सीट बचाना था. यही कांग्रेस पार्टी के लिए आईएनपीटी का लोग, टीयूजेएस के लोग, आईपीएससी के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि हमने सीपीएम को वोट नहीं किया, हमने कांग्रेस आईपीएससी आईएनपीटी टीयूजेएस को वोट किया. यही लोगों ने हमको नौकरी नहीं दिया, यही लोगों ने हमारा वर्कर्स को मारा. आज सुदीप राय बर्मन बोलता है कि महाराणा बीजेपी को कैसा सपोर्ट कर रहा है. मैं पूछना चाहता हूं कि आज माननीय सरकार कांग्रेस को क्यों वोट कर रहा है और दिलजीत सिन्हा सीपीएम को क्यों वोट कर रहा है जब 20 साल तक आपने फाइट किया था. मतलब आपने पहले से अंडरस्टैंडिंग किया था. हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट वही दे सकता है जो दिल्ली में है. और दिल्ली में आज मोदी जी का सरकार बन रहा है, ये बात पक्का है. तो जो लोगों को सीपीएम में वोट करके अपना वोट नष्ट करना है, एक बार अपने बच्चे के बारे सोचो, एक बार अपने बारे सोचो. सीपीएम ने आपको गरीबी भूख दिया और आज तीव्र मोठा आईपीएससी बीजेपी आपको बच्चे को एक भविष्य देने के बारे में बात कर रहा है. ये आपको डिसाइड करना है. मैं अपनी बहन के लिए वोट नहीं मांगूंगा, नहीं मांगना है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं. मैं आपका समझदारी को इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं. आप लोग जानते हैं कौन काम करेगा और कौन ठगाई करेगा. तो मैं यही बोलकर अपने बड़े भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर इनको इसके बाद दिल्ली जाना है. लेकिन उनका बात सुनिए आप, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं ना दिल से बोलते हैं. और आज त्रिपुरा को एक चाणक्य नहीं एक बड़ा दिल वाला लीडर चाहिए और वो हमारा एमपी और नेक्स्ट मिनिस्टर बिप्लब देव जी बनेंगे. मैं आपको ये बोलने वाला हूं. यही मैं बोलकर 26 तारीख को आप लोग जल्दी से जल्दी निकलिए वॉरियर्स. आई वॉन्ट टू सी यू ऑल इन योर बूथ. मैं इलेक्शन के बाद हर बूथ पे देखूंगा क्या मीनिंग है, कहां में हमने क्या किया, कहां में खराब था. और जिसने काम किया मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा और जिसने सीपीएम के नाम में मथा का झंडा ले